हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल कुकिंग विद पूनम। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं मसालों पे। तो देखिए, जीरा है, ये धनिया है। तो आज हम इन मसालों के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो पहले हम धनिया का पाउडर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग गैस ऑन करेंगे, उस पर एक पैन रखेंगे। पैन जब तक हमारा गर्म होता है तब तक हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, लेकिन पैन के गर्म होते ही गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। तो हम सबसे पहले धनिया पाउडर बनाएंगे। तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे। देखिए, ये पैन गर्म हो गया है, ये मैंने फ्लेम लो कर दिया। लो टू मीडियम के बीच में रखना है। अब इसमें धनिया डाल दिया। तो धनिया मैंने इसमें और मिलाया है क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना था। तो फ्रेंड्स, क्योंकि धनिया में मॉइस्चर बहुत होता है तो इसको रोस्ट होते होते थोड़ा टाइम लग जाएगा। तब तक हम थोड़ा मसालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, खाना सबके घर में बनता है, लेकिन मसाले जो हैं वो खाने का टेस्ट बढ़ा देते हैं। कोई कम मसाला यूज़ करता है, कोई ज़्यादा मसाला यूज़ करता है, उसी मसाले को कोई दूसरे तरीके है, कोई दूसरे तरीके। जैसे ये धनिया पाउडर है तो कुछ लोग इसको ऐसे ही पीस के रख लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा रोस्ट करके अगर हम पीस के रखेंगे और इसको हम अपनी सब्जी में, इसको आलू की सब्जी में डालें तो आलू की सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और जैसे अगर हम आलू टिक्की बना रहे हैं तो उसमें रोस्टेड किए हुए धनिए को डालने से आलू टिक्की का टेस्ट एकदम से अलग हो जाता है। देखिए, धनिए का कलर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मसाले ये हमको ज़रूर बना के रख लेने चाहिए अपने घर में। गैस का फ्लेम हमेशा लो रख के ही मसाले को इसको स्टिर करते हुए लगातार इसको हम भूजेंगे। और जैसे जैसे ये होता जाएगा इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। फ्रेंड्स, देखिए, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है और अच्छी सी खुशबू देखिए किचन में आ रही है। मसाला किसके भी घर में बन रहा हो, उसके किचन से, उसके घर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मसाले जो हैं वो खाने की जान होते हैं। मसालों का सही चयन करना, उनको सही मात्रा में डालना, ये बहुत मायने रखता है कि मसाले हमको कितने यूज़ करने हैं और किस मात्रा में हमको डालना है। और धनिया तो फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी होता है, हमको हरा धनिया भी खाना चाहिए और सूखा धनिया भी भाजी में ज़रूर डालना चाहिए। तो देखिए, धनिया से हमारी याददाश्त भी ठीक रहती है और इसमें विटामिन सी होता है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। देखिए, मेरा धनिया हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी ताकि थोड़ा ये ठंडा हो जाए, उसके बाद हम लोग इसको पाउडर बनाएंगे। तो देखिए, मैंने थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो 5-10 मिनट के बाद देखिए मैंने ये मिक्सिंग बाउल लिया है। अब मैं इसमें धनिया डालूंगी और इसका ये बारीक पाउडर बनाऊंगी। तो एक साथ में पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, आधा बना लूंगी पहले। देखिए, मैंने आधा डाल दिया है। अब इसका एक पीस कर बारीक पाउडर बनाना है। तो एक बार में नहीं बनता ये, पहले आधा पीस लेंगे। अब देखिए, मैंने इसको पीस लिया है, लेकिन हाथ लगा के देखेंगे तो अभी ये दरदरा लग रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि स्ट्रेनर की हेल्प से इसको हम छान लेंगे। देखिए, दरदरा है तो स्ट्रेनर लेके हम इसको चाल लेंगे। तो चालने से क्या होगा फ्रेंड्स कि इसका जो बारीक पाउडर है वो स्ट्रेनर में से नीचे प्लेट में चला जाएगा और जो मोटा दरदरा इसमें रह गया है वो स्ट्रेनर में ही बच जाएगा। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि इसका बारीक पाउडर नीचे आ जा रहा है और जो मोटा पाउडर है वो स्ट्रेनर में ही बच गया है। तो इसको हम दोबारा डाल के पीस लेंगे और हमारा पाउडर अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए, इसको इतना, ये मेरा ऊपर मोटा पाउडर बच गया है। तो इसको मैं दोबारा से बाउल में डाल के तैयार कर लूँगी। इसको हम लोग हिलाते हिलाते जितना बारीक पाउडर नीचे गिरता है निकाल लेंगे और मोटा दरदरा पाउडर चलनी में ही रह जाएगा। देखिए, ये बच गया है इतना। तो इसको हम लोग डाल के दोबारा पीस लेंगे। देखिए, मैंने बाउल में इसको डाल दिया है और हमारा जो बाकी धनिया था वो भी डाल के देखिए मेरा पाउडर कितना अच्छा बारीक एकदम बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपने घर में मसाला पाउडर बना के रखें और उसको खाने में डालें ताकि आपके खाने का स्वाद और बढ़े। और इसको ज़्यादा दिन तक रखने के लिए एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। अब हम जीरे का पाउडर बनाएंगे। तो जीरे के पाउडर के लिए पैन गर्म करेंगे,
और उसमें जीरा डालेंगे। तो जैसे कि मैं मॉइस्चर के बारे में बात कर रही थी, तो मॉइस्चर जीरे में बहुत कम होता है, तो जीरा बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक जीरे की बात है, तो जीरा हम कच्चा भी यूज़ करते हैं। जैसे दाल में तड़का लगाना है तो बिना भुने ही हम इसको तड़का लगा देते हैं और दाल टेस्टी बन जाती है। हींग जीरा से भी तड़का लगा देंगे तो अच्छी हो जाती है। लेकिन ये रोस्टेड जीरा जो है, ये भाजी में डालने से भाजी का स्वाद बढ़ जाता है। और रोस्टेड जीरे का पाउडर, काला नमक जीरा बना के रखते हैं, इसको हम लोग अगर रायता में डालते हैं तो रायते का टेस्ट बढ़ जाता है, और दही भल्ले में डालते हैं, दही वड़ा में डालते हैं, तो उसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। तो मसाले वही हैं, उनको बस यूज़ करने का एक मेथड होता है जो पता होना चाहिए। इसको हमको कितना स्टीम करना है, इसको सॉरी स्टीम नहीं, इसको हमको कितना रोस्ट करना है। देखिए, जीरा मेरा हो गया है। अब हम अपना गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और बंद करके इसको ठंडा होने के लिए इसको भी छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद 10 मिनट के बाद हम इसका, देखिए मैंने ये बारीक पाउडर बना लिया। अभी थोड़ा दरदरा लग रहा है तो इसको मैं एक बार और कर लेती हूँ। देखिए मेरा पाउडर कितना अच्छा बारीक, एकदम दिखने में ही लग रहा है कि वो कितना बारीक पाउडर बन के जीरे का तैयार हुआ है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, एक ही साथ थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हम ये मसाला बना के रख लें, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, तो हर जगह हमको ये यूज़ में आता है। भाजी बनाने में, पराठों में डाल दीजिए, रायता में डाल दीजिए, टिक्की बनाइए, कहीं भी। तो इस पाउडर को भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। देखिए मेरा पाउडर बन गया है और धनिया और जीरा पाउडर बन के तैयार है। ये जीरा पाउडर है और ये धनिया पाउडर है। और फ्रेंड्स, इसको हम 2-4 महीने आराम से रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आपके पास ज़रूर पहुंचे। और फ्रेंड्स, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नए टेस्ट के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आने वाली हूँ। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ भरवा मसाला बैंगन। तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। थैंक यू, बाय।